दो तीन बार देखा कि जब भी मैं सीसेट का पेपर देने जा रहा हूँ मुझे हेडेक हो रहा है, नौशिया हो रहा है, वोमिटिंग जैसा लग रहा है। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन तो काफ़ी अटेम्प्ट कर रहा हूँ लेकिन एक्यूरेसी नहीं आ पा रही है। और वही सवाल अगर मैं बाहर सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं, क्योंकि मेरा पीस ऑफ माइंड है, क्योंकि मैं स्ट्रेस नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को एंजाइटी नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर मैं क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाऊँ। 80 के 80 सवाल आपकी आंखों के नीचे से जाने चाहिए। जो मेरा एक दो बार हुआ था कि मैं 80 सवाल देख ही नहीं पाया और लास्ट में जब देखा तो अरे वहाँ पे दो तीन ईजी सवाल थे, छूट गया। हाँ, एक घंटे के पेपर में एक घंटे बाद हेडेक होना स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, आपको थोड़ा वोमिटिंग जैसा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपको आता है लेकिन एट द सेम टाइम आपको डाउट आने लग रहा है कि यार मुझे आता भी या नहीं आता है। ऐसी एग्जाम दे रही है जहाँ पे दिमाग का बहुत यूज होने वाला है, तो ऑफ कोर्स यू विल फील एग्जॉस्टेड। अगर कैलेंडर का सवाल है, वो रिपीटेशन ऑफ ईयर का सवाल है, तो मैं अटेम्प्ट करूंगा, लेकिन डेट बताइए कि इस डेट को कौन सा डे होगा तो मैं वो अटेम्प्ट नहीं करूंगा। अगर परसेंटेज का सवाल है जो पहले या दूसरे डिग्री की डिफिकल्टी है तो मैं अटेम्प्ट करूंगा, तीसरी डिग्री की डिफिकल्टी है तो मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा क्योंकि वो टाइम खाएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री का है तो मैं अटेम्प्ट करूंगा, लेकिन थर्ड डिग्री का है तो वो टाइम खाएगा और चांस है कि खराब हो सकता है। प्रोबेबिलिटी का प्राइमरी प्रॉब्लम है तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। क्या मैं डिमांड सेटिस्फाई कर रहा हूँ? और अगर आपको डिमांड समझनी है तो आपको समझना पड़ेगा कि टॉपर कॉपी क्या है, टॉपर कैसे लिख रहे हैं। अच्छा, एक्स वाई जेड टॉपर को इतने मार्क्स मिले थे, मतलब ऐसी चीज़ एग्जाम में रिवॉर्ड हो रही है। जैसे अगर आपने श्रुति शर्मा की कॉपी देखी होगी, कॉपी में काफ़ी डेटा, काफ़ी रिपोर्ट होती थी जो जिससे वो सब्सटेंशिएट करती थी अपने आर्गूमेंट को। फिर बैकअप द माइंड ये था कि आर्गूमेंट देना काफ़ी नहीं है, उसको सब्सटेंशिएट करना डेटा के साथ, रिपोर्ट के साथ, ये ज़रूरी है। जो एग्जामिनर आपका कॉपी देख रहा है उसे डिफिकल्टी ना हो आपका कॉपी चेक करते हैं, तो आप अगर उसे इजी प्लेट में सर्व करके दे रहे कि सर आपके क्वेश्चन की ये डिमांड थी और मैंने आपको जो डिमांड में चाहिए था वो कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं करना है। अगर आप डायरेक्ट कोर डिमांड पे हिट कर रहे हो तो वो वैसे भी खुश है कि हाँ स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ गया है। ये हो सकता है कि आप एक हाथ रिपोर्ट ज़्यादा कोट कर दोगे, एक हाथ कम कर दोगे, बट डिमांड आप एड्रेस कर दिए वहीं पर आप आधे गेम जीत चुके हो। प्रीलिम्स नहीं हो रहा है ना, जिस दिन प्रीलिम्स होगा मेंस भी होगा, सिलेक्शन भी होगा। बहुत बढ़िया। तो मुझसे ज़्यादा मेरे दोस्तों को मुझ पर भरोसा था। आपके सराउंडिंग में लोग ऐसे हैं जो आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हैं, नेगेटिव नहीं, जो आपको पॉजिटिव बातों से मोटिवेट करते हैं, ऐसे दोस्त रखिए। ऐसे कुछ लोग आपके सराउंडिंग में होने चाहिए जो आपको हमेशा मोटिवेट करें। मेरे ग्रुप के सारे लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, तो वो एक मोटिवेशन था कि हाँ अगर मेरे ग्रुप के लोग सिलेक्ट हो रहे हैं मतलब मैं सही ट्रैक पे हूँ। जब दो दिन आपको चार पेपर लिखने हैं, सुबह दोपहर, सुबह दोपहर, तो क्या चौथे पेपर तक आते आते आप एग्जॉस्ट हो जा रहे हो? क्या आपको मेंटल फटीग आ रहा है? क्या एक दिन दो ऐसे लिखते टाइम पहले ऐसे लिखने में ही आपका सारे थिंकर, सारे थॉट, सारे कोट्स वगैरह खत्म हो जा रहे हैं? क्या सेकंड में आपके पास कुछ बच रहा है? कुछ कुछ है जो नीच टॉपिक है कि वो खाली मेंस के लिए आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, तो हाँ भाई ये तीन महीने में वो ब्रश अप करूंगा। बट अगर मेरे को क्लैरिटी है कि हाँ आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो मुझे पहले से पता है, फिर मैं कंटेंट पे काम करूंगा। आपको जब लगे कि हाँ थोड़ा फटीग हो रहा है, अभी ब्रेक लूंगा तो मुझे उसका रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा, तब ब्रेक लीजिए ताकि आप ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील करें। आर्ट एंड कल्चर के सवाल कम आते हैं और कॉस्ट बेनिफिट कम है। मुझे आर्ट एंड कल्चर के फैक्ट याद नहीं होते या फिर मिडिवल के फैक्ट याद नहीं होते, तो मैं कोशिश करूंगा कि जब मुझे पता है कि हाँ ये मेरा थोड़ा वीक एरिया है तो एग्जाम में क्वेश्चन देकर मैं डरूंगा नहीं, बेयर मिनिमम प्रिपेयर करके जाऊंगा कि अगर इतना आता है तो करेंगे, नहीं आता है तो बाकी जो 80-90 सवाल है उस पर फोकस करेंगे। दुबले पतले हो यार, आईपीएस कैसा लगता है? मिल जाएगा आपको आईपीएस? पक्का मिलेगा, मेडिकल फिट है ना, मेडिकल फिट है। साथियों, इस वक्त हमारे साथ हैं सूरज, जिन्होंने इस बार 2023 की यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्रैक की है और इनकी रैंक है 658। सर की ये जर्नी रही है यूपीएससी को लेके काफ़ी लंबी रही है, इस बीच काफ़ी इन्होंने उतार चढ़ाव देखे हैं। इनकी जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो आज आपके साथ शेयर करेंगे। बेस्ट टूल और टेक्निक्स जो आपकी प्रिपरेशन में काम आए, आप जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसमें हेल्प कर सके। और सर, सबसे पहले सूरज सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। ये कौन सा अटेम्प्ट था, आपके ऑप्शनल पेपर क्या है और लैंग्वेज क्या है? ये मेरा 6th अटेम्प्ट था, पहला मेंस, पहला इंटरव्यू, और पहला मेंस, पहला इंटरव्यू जी। प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा था अनफॉर्चुनेटली। मेरा ऑप्शनल है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। पिछले जो आपकी फेलियर रही है उसमें क्या कमियाँ थी, आपने एनालाइज किया होगा, और उसको कैसे सुधारा आपके इस 6th अटेम्प्ट में? मेरा प्रीलिम्स जब भी रहा है वो सीसेट की वजह से रहा है। अच्छा अच्छा। और सीसेट अगर आपने देखा होगा 2018 के बाद से हर साल उन्होंने ग्रेजुअली सीसेट को और टफ किया है। अच्छा। तो अब मेरी प्रिपरेशन पीवाईक्यूज के हिसाब से होती थी और मैं शायद सूडो कॉन्फिडेंस में रहता था कि हाँ अगर मेरे पीवाईक्यूज हो रहे तो मेरा हो जाएगा। अच्छा। लेकिन हर साल यूपीएससी एक स्टेप आगे बढ़ जाती थी और मैं एक स्टेप पीछे रह जाता था, एक चीज़ ये। दूसरा, उस दो घंटे में वो कंपोजर मेंटेन करना शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। वो इससे मैं समझ पा रहा हूँ क्योंकि मैंने दो तीन बार देखा कि जब भी मैं सीसेट का पेपर देने जा रहा हूँ मुझे हेडेक हो रहा है, नौशिया हो रहा है, वोमिटिंग जैसा लग रहा है, तो एक पीस ऑफ माइंड, एक स्टेट ऑफ कंपोजर मेंटेन करना मेरे लिए थोड़ा टफ हो रहा था। तो ऐसा नहीं कि मुझे वो पेपर सॉल्व नहीं हो रहा था, अगर एग्जाम हॉल के बाहर निकल मैं पेपर सॉल्व करूँ तो मैं कर ले रहा था, लेकिन उस दो घंटे की कंडीशन में सॉल्व करना थोड़ा टफ हो रहा था। तो देन आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग पिछले 1-1.5 साल से,
अच्छा खासा मेडिटेट किया, कोशिश की कि ऐसे टाइम पे जहाँ पे एग्ज़ाम है, जहाँ पे एनजाइटी पीक पे होगी, वहाँ पे एक लंबी सांस लेके थोड़ा सा कंपोजर मेंटेन किया जा सके। और उसके साथ साथ PYQs पेपर, वो मेहनत तो है ही, लेकिन स्टेट ऑफ माइंड पे मैंने काफ़ी काम किया। देखिए ये दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट अपार्ट फ्रॉम योर प्रिपरेशन। मतलब कुछ टॉपर्स ने पहले ही बताई थी कि आपकी सेहत भी अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड, माइंड आपका अलर्ट होना चाहिए, अंदर से फिट महसूस होनी चाहिए। तो सर ने मेडिटेशन किया था क्योंकि एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो फटिगनेस होती है, एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो घबराहट होती है, क्यों सफ़ील होता है, उससे कम आउट आने के लिए। सर ये क्या होता था आपको एग्ज़ामिनेशन, मतलब बिकॉज मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ ट्रोमा। क्या होता था आपको एग्जामिनेशन हॉल में जो सही सवाल को भी गलत करके आ जाते थे? मोस्ट ऑफ द टाइम आई रियलाइज कि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन तो काफ़ी अटेम्प्ट कर रहा हूँ लेकिन एक्यूरेसी नहीं आ पा रही है। और वही सवाल अगर मैं बाहर सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं, क्योंकि मेरा पीस ऑफ माइंड है, क्योंकि मैं स्ट्रेस नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को एंजाइटी नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे मैं क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट को आता है, बहुत सारे लोगों का सीसेट का इशू ये है कि उनको आता है प्रॉब्लम, या तो वो किसी सवाल को ईगो पे लेके रुक जाते हैं कि हाँ यार परसेंटेज तो मैंने प्रिपेयर किया था, ये सवाल मेरे से कैसे नहीं होगा, ये तो होगा, मैं उस पर फिर आपके 15 मिनट चले जाते हैं, टोटल आपका जो आपको कट ऑफ क्लियर करना है 67 मार्क्स जो लाने हैं वो आप नहीं ला पाते। दूसरा है, बहुत बार आपके पास सीसेट के लिए स्ट्रैटेजी नहीं होती, क्या मैं कॉम्प्रिहेंशन करने वाला हूँ, क्या मैं पैसेज करने वाला हूँ, क्या मैं मैथ्स करने वाला हूँ, रीजनिंग करने वाला हूँ। एटलीस्ट आपको पता हो कि कौन सा सवाल मुझे छोड़ना है। अगर कैलेंडर का कोई सवाल है जिसमें डेट निकालनी है, जिससे आपको 2.5 मार्क मिलने वाला है लेकिन वो आपके 5 मिनट खाने वाला है, और परसेंटेज का एक सवाल है जिसमें आपके 30 सेकंड जाने वाले, तो आप परसेंटेज कीजिए। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरे को 2.5 मार्क कौन से सवाल से मिल रहे हैं, मेरे को 2.5 मार्क से मतलब होना चाहिए। तो पिकिंग दी लोअर हैंगिंग फ्रूट, वो जो बोला जाता है कि जो सबसे ईजी है वो कीजिए, इससे क्या परवाह कि कौन सा सवाल कर रहे हो। दूसरा, 80 के 80 सवाल आपके आंखों के नीचे से जाने चाहिए, जो मेरा एक दो बार हुआ था कि मैं 80 सवाल देख ही नहीं पाया, और लास्ट में जब देखा तो अरे वहां पे 2-3 इजी सवाल थे, छूट गया। हाँ, तो 1-2 मिनट पहले तो आप इसमें दे दीजिए कि आप 80 के 80 सवाल एक बार आंखों के नीचे से जाके देख लीजिए कि हाँ यहाँ पे कुछ सवाल है, आखिरी 10 सवाल में, 20 के 50 से 60 के सवाल में, कि हाँ यहाँ पे 4 सवाल है जो मैं इजीली कर लूँगा। एट द सेम टाइम आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ये सवाल है जो मेरा टाइम बहुत खाएंगे और शायद ये मुझे उतना रिवॉर्ड नहीं करेंगे अगर मैं इन पर टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, तो उनको क्रॉस कर दीजिए कि वो आपकी लास्ट प्रायोरिटी रहेंगे। अगर आपके पास 40-45 सवाल करने के बाद टाइम बचता है तो आप अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पेपर देखते ही कि हाँ मुझे इस पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ मेडिटेशन जरूरत क्यों पड़ी। हाँ, वो क्या हुआ था एग्जामिनेशन, क्या होता था आपके साथ जिसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ा? आपने किसी कंसल्टेंट से भी बात की होगी या फिर खुद से लगा कि नहीं यू आर मिसिंग समथिंग, एग्जामिनेशन हॉल में उस हॉल में कर पा रहे हो, बाहर सॉल्व कर पा रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो, तो फिर मेडिटेशन का ख्याल कैसे आपको आया, क्यों लगा कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, और क्या मेडिटेशन करने के बाद आपको फ़ायदा हुआ? जी, मेडिटेशन करने के बाद फ़ायदा तो हुआ ही, आई कैन श्योरली से दैट। मुझे ये होता था कि नो, हु हैज़ डिसाइडेड दैट यू शुड गो फॉर मेडिटेशन? मैं ओशो को 2019 से सुन रहा हूँ। अच्छा। और ओशो का हमेशा फोकस मेडिटेशन पे रहा है। अच्छा। तो और फिर काउंसलर वगैरह से भी बात हुई थी बहुत सारे, जैसे RCA में भी हमारे पास काउंसलर है, तो आप उनसे भी बात कर सकते हो। वैसे भी भैया डॉक्टर है, उनसे वगैरह भी बात हुई, तो उनका था कि कुछ तो करना चाहिए मेंटल स्टेट के लिए, कि जहाँ पे आपको स्टेबल रहे, आप पीस रहे। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ ये करना चाहिए, और ये मुझे रियलाइज तब हुआ कि 1 घंटे के पेपर में 1 घंटे बाद हेडेक होना स्टार्ट हो रहा है। अच्छा। आपको थोड़ा वोमिटिंग जैसा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपको आता है लेकिन एट द सेम टाइम आपको डाउट आने लग रहा है कि यार मुझे आता भी या नहीं आता है, वो सारी चीज़ें होना। तो मेडिटेशन से ये सारी चीज़ें अभी ख़त्म हो गई, बेटर मेंटल स्टेट हो गया, तो उस वजह से ये नहीं हुआ। वो कास्केडिंग इफेक्ट था इस चीज़ का कि एक स्टेबल कंडीशन में हूँ। जैसे इस बार का ऐसे स्टूडेंट मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं फॉर गेट बेटर रिजल्ट। बिल्कुल, आप देखिए, अगर आप एक ऐसी एग्जाम दे रही है जहाँ पे दिमाग का बहुत यूज होने वाला है, तो ऑफकोर्स यू विल फील एग्जॉस्टेड। जब आप प्रीलिम्स देने जा रहे हो तो आप प्रिपरेशन के पीक पे होते हो, आप बहुत पढ़ चुके होते हो, बहुत सारा रिविजन ये वो सब किया होता है। उसके बाद आपका अगर मेंटल फटीग इतना ज़्यादा है कि आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो ऑफकोर्स आपको दिमाग पर भी काम करना है। आप सोने को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हो? क्योंकि आपका ब्रेन ही काम आने वाला है, आपको उसको आराम की जरूरत है। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, आप ब्रेक इवन पॉइंट के बाद दिमाग को खींचोगे तो आपको उतना रिवॉर्ड नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए वो मैटर करता है। और इस पर बदलाव क्या किया आपने प्रिपरेशन में, क्या स्ट्रेटजी में चेंजेस की जो आपका सिलेक्शन हुआ प्रीलिम्स के केस में? हाँ, प्रीलिम्स के केस में जैसे सीसेट में मेरे पास इस बार स्ट्रेटजी थी कि क्या स्ट्रेटजी थी
कि पहले मैच करना है या पैसेज करना है। अच्छा। जैसे इस बार आई वॉज क्लियर कि अगर पैसेज का साइज़ छोटा है, जैसे अगर 2022 के पेपर में देखेंगे पैसेज लेंदी आए थे, 23 में शॉर्ट आए थे, तो अगर पैसेज का साइज़ शॉर्ट एंड मीडियम है तो आई विल गो फॉर पैसेज पहला। अगर पैसेज का साइज़ लंबा है तो पैसेज पहले अटैम्प्ट नहीं करेंगे, पहले मैच करेंगे। अगर कैलेंडर का सवाल है और वो रिपीटेशन ऑफ ईयर का सवाल है तो मैं अटैम्प्ट करूँगा, लेकिन डेट बताइए कि इस डेट को कौन सा डे होगा तो मैं वो अटैम्प्ट नहीं करूँगा। अगर परसेंटेज का सवाल है जो पहले या दूसरे डिग्री की डिफिकल्टी है तो मैं अटैम्प्ट करूँगा, तीसरी डिग्री की डिफिकल्टी है तो मैं अटैम्प्ट नहीं करूँगा क्योंकि वो टाइम खाएगा। अरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री का है तो मैं अटैम्प्ट करूँगा, लेकिन थर्ड डिग्री का है तो वो टाइम खाएगा और चांस है कि खराब हो सकता है तो मैं अटैम्प्ट नहीं करूँगा। प्रोबेबिलिटी का प्राइमरी प्रॉब्लम है तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो वो मेरी क्लैरिटी पहले से थी, मैंने पेपर खोलते ही पहले 80 सवाल देखे, पहले 2 मिनट मेरे उसमें इन्वेस्ट करे, मैंने आइडेंटिफाई किया कि दो पैसेज है जो बहुत लेंदी है तो ये पैसेज मैं सबसे लास्ट टच करूँगा, बाकी पैसेजेस का साइज स्मॉल से मीडियम था तो आई वेंट फॉर पैसेजेस, पहले पैसेज किए। ये सोच तो ये डिसीजन आपने शुरू में पहले ले ली या फिर एग्जामिनेशन हॉल में डिसाइड किया कैसा करना है? पहले जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तब आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उस हिसाब से आपके एक पेज पे रेडी होना चाहिए कि एग्जाम के दिन में क्या करने वाले हो। तो पहला काम मैंने किया कि 2 मिनट में 80 सवाल देख लिए, आइडेंटिफाई कर लिया बड़े पैसेज का है, ये आइडेंटिफाई कर लिया कि जो मेरे स्ट्रेंथ वाले एरिया वो कहाँ पे है और जो सवाल टच नहीं करने वो कहाँ पे है। तो फिर अगले पूरा टाइम, अगर आपने इस बार का प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा, जैसा जीएस का पेपर आया था उसके बाद बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस सेकंड पेपर में डाउन था बिल्कुल, और मेरे जैसा कैंडिडेट जिसने प्रीलिम्स इसके पहले सीसेट में फेल किया है उसको तो और भी थोड़ा फोबिया था। करेक्ट। लेकिन उसके बावजूद एक लंबी सांस लो और शुरू हो जाओ, जहाँ पे लगे कि डर लग रहा है, अगर मेरे लिए टफ है सबके लिए टफ है। यूपीएससी किस चीज़ को रिवॉर्ड कर रही है ये अगर आपको पता है, क्योंकि अल्टीमेटली इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या मैं डिमांड सेटिस्फाई कर रहा हूँ। और अगर आपको डिमांड समझनी है तो आपको समझना पड़ेगा कि टॉपर कॉपी क्या है, टॉपर कैसे लिख रहे हैं, अच्छा एक्स वाई जेड टॉपर को इतने मार्क्स मिले थे, मतलब ऐसी चीज़ एग्जाम में रिवॉर्ड हो रही है तो ट्राई टू रिप्लीकेट दैट। जैसे अगर आपने श्रुति शर्मा की कॉपी देखी होगी जो आरसीसी थी, तो उसकी कॉपी में काफ़ी डेटा काफ़ी रिपोर्ट होती थी जो जिससे वो सब्सटेंशिएट करती थी अपने आर्गूमेंट को, तो फिर बैक ऑफ द माइंड ये था कि आर्गूमेंट देना काफ़ी नहीं है, उसको सब्सटेंशिएट करना डेटा के साथ रिपोर्ट के साथ ये ज़रूरी है। तो मोस्ट ऑफ द आरसीसी स्टूडेंट के बैक ऑफ द माइंड वो है कि हाँ अगर मैं बस पॉइंट लिख रहा हूँ तो मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे। कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीज़ों को, सिंपल रखना है, बट एट द सेम टाइम वो कन्विंस होना चाहिए कि हाँ मैं जो कह रहा हूँ एक्स वाई जेड रिपोर्ट ये बात कहती है जो मैं कह रहा हूँ। वैसे सर मेंस में लिखना बहुत पड़ता है और मतलब कभी कभी क्या होता है कि किसी स्टूडेंट को लिखना बड़ा वो बोरिंग लगता है जी, तो ऐसी स्थिति में क्या करें, क्योंकि लिखना बहुत है और एक लिमिटेड टाइम मिलती है आपको, और लिखना नहीं अच्छे से लिखना बेहतर ही लिखना है, यू हैव टू पुट यू नो apply best ingredients to get better answer writing during your mains. So आपके हिसाब से best answer writing कैसे लिखें, क्या strategy होनी चाहिए कम समय में सही आप लिख के आओ, ऐसा नहीं कि आपने 10 पेज भर दिए कुछ भी लिख दिया, मतलब authentic proper ढंग से हो, crisp हो, जो examiner जब देखे तो उसको wow जैसी feeling हो। ठीक है, इसमें क्या करना चाहिए student को? एक चीज़ समझनी चाहिए कि जो एग्जामिनर आपका कॉपी देख रहा है उसे डिफ़िकल्टी ना हो आपका कॉपी चेक करते हैं, तो आप अगर उसे इजी प्लेट में सर्व करके दे रहे हैं कि सर आपके क्वेश्चन की ये डिमांड थी और मैंने आपको जो डिमांड में चाहिए था वो कन्फ्यूज़ नहीं करना है। तो प्राइमरी सजेशन तो यही रहेगा कि आप क्वेश्चन को दो बार पढ़िए और समझ लीजिए कि डिमांड क्या है। एक बार आपने कोर डिमांड समझ ली और आपने हिट कर दिया रैदर देन बीटिंग अराउंड द बुश, अगर आप डायरेक्ट कोर डिमांड पर हिट कर रहे हो तो वो वैसे भी खुश है कि हाँ स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ गया है। ये हो सकता है कि आप एक हाथ रिपोर्ट ज़्यादा कोट कर दोगे एक हाथ कम कर दोगे, बट डिमांड आप एड्रेस कर दिए वहीं पर आप आधे गेम जीत चुके हो। उसके बाद आप सोच सकते हो कि हाँ क्वालिटी और कैसे इंप्रूव की जा सकती है। रादर देन आप 100 पेपर का प्रैक्टिस करो आप 10 ही पेपर करो, लेकिन पहला पेपर के बाद दूसरा पेपर लिख रहे हो तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो, तीसरे में और इंप्रूवमेंट हो। सर इसमें देखिए यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है जी। उसमें एक पेशेंस भी आता है जी। आप 6th अटैम्प्ट गए जी। हर किसी के बस की बात नहीं होती कि 6th अटैम्प्ट जाए, लेकिन सर 6th अटैम्प्ट पहुँचे और उन्होंने क्लियर भी किया, ये पेशेंस कहाँ से आया आप में? परसिवरेंस, पेशेंस, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, ये सारी वर्ड जो है ना यूज़ होती है, लेकिन हम यहाँ पेशेंस की बात करेंगे। ये पेशेंस कैसे आया आप में और विल पावर क्या थी आपकी जो जिसने आपको यहाँ तक खींच के लाया? कुछ ना कुछ तो होगा आपको, वरना बच्चे 2-3 अटैम्प्ट में बोला यार नहीं होगा छोड़ दो, लेकिन आप यहाँ तक पहुँचे। बड़ा नेचुरल भी है कि आपको सेल्फ डाउट आए, मुझे भी 1-2 बार आया, बट एक मेरी अपनी पर्सनैलिटी में वो है कि मैं थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक वाला व्यक्ति हूँ। इसके अलावा मेरे पेरेंट्स का मुझ पर बहुत ट्रस्ट था, मैंने मम्मी को बहुत बार बोला भी था कि नहीं हो रहा है, बट अच्छा। मम्मी ने कभी ऐसा नहीं बोला कि कुछ और ट्राई कर लो, ये नहीं तो कुछ और हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ और करना है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो कर लेंगे।
और फॉर्चुनेटली मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं ऐसे लोगों से हमेशा घिरा हुआ था कि जो बहुत आउटलुक पॉजिटिव रखते हैं। मेरे भैया थे, यहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो मुझे हमेशा कहते थे प्रीलिम्स नहीं हो रहा है ना, जिस दिन प्रीलिम्स होगा मेंस भी होगा सिलेक्शन भी होगा। बहुत बढ़िया। तो मुझसे ज़्यादा मेरे दोस्तों को मुझ पर भरोसा था। अगर आपके सराउंडिंग में लोग ऐसे हैं जो आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हैं, निगेटिव नहीं, जो आपको पॉजिटिव बातों से मोटिवेट करते हैं, क्योंकि आप ये डिनाई नहीं कर सकते आप सोशल एनिमल हो, यू विल बी सराउंडेड बाई पीपल। हाँ। तो जब आप, आपको पता है कि आप सराउंडेड बाय लोग रहोगे, आप ऐसे दोस्त रखिए, ऐसे कुछ लोग आपके सराउंडिंग में होने चाहिए जो आपको हमेशा मोटिवेट करे। मोटिवेशन आज ना कल चला जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा एक स्पार्क की तरह होता है, फुलझड़ी जैसा होगा, आएगा और चला जाएगा। लेकिन आपको इतना अगर डिसिप्लिन है कि हाँ, अगर मैं सुबह से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे आज का 10 घंटे का टारगेट है, मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन एटलीस्ट 8 घंटा तो पढ़ लूँ। आपको ये पता हो, आपको अगर ये रियलाइजेशन हो कि मैंने शुरू क्यों किया था, तो आई थिंक वो आपको लंबी रस का घोड़ा बना देगा। नहीं, मुझे यूपीसी करना, बट पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। हाँ। बहुत पूरे जोश के साथ हमने स्टार्ट किया, चलो यार कल से सुबह से हम पढ़ाई करते हैं। सुबह सुबह बैठ गए, मुँह हाथ धो के नहा के किताब निकाल पढ़ते, थोड़ा सा पढ़ा, फिर नींद आ गई, सोने लगे, मन नहीं लग रहा है, ऐसा होता है जी। तो ऐसे से दिन क्या करेंगे, मतलब शुरुआत में होती है जब आपका थॉट प्रोसेस बन जाता है, आपको पता है कि क्या करना है, बट शुरुआती, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स भी हैं तो इस तरह की जो चीज़ें आती कैसे करेंगे, मतलब वो चलो आज नहीं कल से पढ़ेंगे, है ना। प्रोक्रास्टिनेशन। हाँ। मुझे लगता है अगर आप मतलब बिटर ट्रूथ है, लेकिन अगर आप एग्जाम को लेके सीरियस नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए। या तो आप एग्जाम को लेके सीरियसनेस ले आइए और सोच लीजिए कि ठीक है मैं 3 अटेम्प्ट दूंगा और 3 अटेम्प्ट में जान लगा दूंगा, या फिर सोच लीजिए 1 अटेम्प्ट दूंगा जान लगा दूंगा, या फिर सोचिए कि हाँ जैसे चलता है पंचवार्षिक प्रोग्राम चलता है चला देंगे। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि हाँ आज 2 घंटा पढ़ूंगा, फिर कल नहीं पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, तो फिर तो मुश्किल है, फिर तो नहीं होने वाला। सर, यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए क्या कोचिंग ज़रूरी है, या फिर विदाउट कोचिंग कुछ कर सकते हैं, मतलब रिसोर्सेज इतनी सारी हैं? मैंने खुद कोचिंग नहीं की थी, तो आई कैन श्योरली से कि विदाउट कोचिंग हो सकता है। मेरे ग्रुप के सारे लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, तो वो एक मोटिवेशन था कि हाँ अगर मेरे ग्रुप के लोग सेलेक्ट हो रहे हैं मतलब मैं सही ट्रैक पे हूँ। कोई IPS है, कोई कश्मीर में DSP है, कोई IRS है, तो हमेशा लगता था कि हाँ जिस ग्रुप के साथ मैं हूँ वो जैसा करते थे वैसा अगर मैं रिप्लीकेट कर लूँ तो शायद मुझे भी। सर, बच्चों में क्या होता है कि रिसोर्सेज की सिलेक्शन में वो गलती कर देते हैं शुरू में, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस होना चाहिए आपके हिसाब से? जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है, स्टैंडर्ड बुक तो करने ही करने। उसके अलावा अगर आपको, जैसे मैंने भी कुछ कुछ, जैसे मेरा ऑप्शन PSIR था, PSIR के लिए मैंने कुछ कुछ बेसिक चीज़ें तो रेफ़र की, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ी कि हाँ कुछ टॉपिक है जो मेरे नोट्स में कवर्ड नहीं है, तो YouTube देख लिया, इग्नू के नोट्स देख लिए, लेकिन एक पर्टिकुलर टॉपिक स्पेसिफिक, जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना ही, क्योंकि रिसोर्स का इतना भंडार है, इतनी इन्फॉर्मेशन है, देर इज़ अ चांस कि आप मिसगाइड हो जाओ। तो बेटर है कि थोड़ा सोच के कि मेरी डिमांड क्या है, क्या इस नोट से मीट हो जाएगी, ठीक है हो जाएगी तो बिल्कुल, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। क्या 3 घंटे में आप 20 सवाल कंप्लीट कर पा रहे हो? वो भी कि जब 2 दिन आपको 4 पेपर लिखने हैं, सुबह दोपहर, तो क्या 4th पेपर तक आते आते आप एग्जॉस्ट हो जा रहे हो, क्या आपको मेंटल फटीग आ रहा है? क्या 1 दिन 2 ऐसे लिखते टाइम, पहले ऐसे लिखने में ही आपका सारे थिंकर, सारे थॉट, सारे कोट्स वगैरह खत्म हो जा रहे हैं? क्या सेकंड में आपके पास कुछ बच रहा है? और ये भी कि 4th पेपर अटेम्प्ट करते करते क्या आपका हाथ में इतना दर्द है कि आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो? मैंने ऐसे बहुत लोग देखे जिनके पेपर कंप्लीट नहीं हुए, तो वो एक इशू होता है। मेरा खुद GS3 के टाइम पे हाथ दुखने लगा था। जहाँ तक प्रीलिम्स की बात है, देर इज़ अ लक फैक्टर। लक फैक्टर है? है, इवन पूरे सिलेक्शन में ही लक फैक्टर है, आप वो डिनाई नहीं कर सकते। आप अपने साइड से इतने ऑनेस्ट हो सकते हो कि जितना एफर्ट लेना था वो पूरा ले चुका हूँ, अब तो क्या ही रोक लेगा। उसके बाद अगर कुछ 19-20 होता है, जैसे 2020-21-22 का जो प्रीलिम्स मैंने दिया था, पूरे एफर्ट के साथ दिया था, डेडिकेशन के साथ दिया था, फिर भी नहीं हुआ, तो इसलिए मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने ऑनेस्टली एफर्ट लिया है। हाँ, किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही, ये बात अलग है, वक्त वक्त की बात है, उस वक्त उस समय आप साथ नहीं, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसको मिला और किसको मिलेगा। तो एटलीस्ट आप लक वाला फैक्टर कम कर सकते हो, आप जितना एफर्ट ज़्यादा मारोगे, तो आप अगर एफर्ट ले रहे हो, ऑनेस्टली एफर्ट ले रहे हो, राइट डायरेक्शन में एफर्ट ले रहे हो, तो आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा 19-20 हो रहा है, लेकिन एक दिन की बात है, वो टाइम अगर मेरे फेवर में काम कर गया, तो जैसा मेरा CSAT वाला बताया नहीं हो रहा था, 23 में हो गया, तो मैंने मेंस रेडी रखा था, मैंने ऑप्शनल रेडी रखा था कि हाँ अगर मेंस लिखने का मौका मिलता है तो मेरा मेंस इतना अच्छा रेडी रहना चाहिए, हाँ कि एटलीस्ट मेरा 80% सिलेबस कंप्लीट है, 20% का करंट अफेयर वाला मैं मैनेज कर लूँगा। वो आपकी तैयारी होनी चाहिए। प्री और मेंस में आपको 3 महीने का टाइम है, उसमें आपको ये नहीं होना चाहिए कि हाँ अभी मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है, तब आपको ना हाँ रिविजन करना है। कुछ कुछ टॉपिक है जो प्रीलिम्स में नहीं आते, जैसे सोसाइटी हो गया, RPA एक्ट हो गया, कुछ कुछ है जो नीच टॉपिक है कि वो खाली मेंस के लिए आते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया,
तो हाँ भाई ये 3 महीने में वो ब्रश अप करूँगा। बट अगर मेरे को क्लैरिटी है कि हाँ आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो मुझे पहले से पता है, फिर मैं कंटेंट पे काम करूँगा। पहले यूजुअली मेरा होता था कि हाँ पढ़ रहे तो संडे को भी ब्रेक नहीं लेना है, और कोई आपके टाइम टेबल में ब्रेक नहीं होना चाहिए। आपको जब लगे कि हाँ थोड़ा फटीग हो रहा है अभी ब्रेक लूँगा तो मुझे उसका रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा, तब ब्रेक लीजिए ताकि आप ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील करें। अगर मेरे शेड्यूल में ही हर संडे का ब्रेक है तो वो रूटीन ब्रेक हो जाएगा, वो आपको रिफ्रेशमेंट नहीं देगा। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और सिविल सर्विसेज दोनों का एक ही प्रीलिम्स होता है, तो एनवायरमेंट डोमिनेट करेगा, ये आपको पता है, क्योंकि फॉरेस्ट के लिए भी है तो एनवायरमेंट तो होना ही होना है। दूसरा, अगर साइंस एंड टेक के सवाल अगर आने वाले हैं तो वो आपको ओम्स लॉ नहीं पूछने वाले, रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पूछने वाले। साइंस एंड टेक का आएगा तो करंट अफेयर्स ही आएगा, उसका थोड़ा स्टैटिक हो सकता है जो आपको ब्रशअप करना है, थोड़ा सा पढ़ना है। उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन की हिस्ट्री में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कोल्ड वॉर कब खत्म हुआ था, उनको इंटरनेशनल रिलेशन के लिए करंट अफेयर बनेगा। तो फिर ऐसे टॉपिक जो आपको पता है कि करंट अफेयर से आएंगे, कोशिश कीजिए कि साइंस एंड टेक, आईआर, आप वहाँ से सब इसराइल पैलेस्टाइन पर हाँ वैसा, क्योंकि वो न्यूज़ में इसलिए पूछेगा, रैंडमली वो नहीं पूछेगा ना, उसके लिए कुछ कंटेक्स्ट है, हर सवाल का कोई कंटेक्स्ट है, वो न्यूज़ में था इसलिए पूछा गया, राइट। उसके अलावा स्टैटिक आपको स्ट्रॉन्ग करना ही करना है। आर्ट एंड कल्चर के सवाल कम आते हैं और कॉस्ट बेनिफिट कम है। अगर जैसे मेरा अपना देखूँ तो मुझे आर्ट एंड कल्चर के फैक्ट याद नहीं होते या फिर मिडिवल के फैक्ट याद नहीं होते, तो मैं कोशिश करूँगा कि जब मुझे पता है कि हाँ ये मेरा थोड़ा वीक एरिया है तो एग्जाम में क्वेश्चन देखकर मैं डरूंगा नहीं, बेयर मिनिमम प्रिपेयर करके जाऊँगा कि अगर इतना आता है तो करेंगे, नहीं आता है तो बाकी जो 80-90 सवाल है उस पर फोकस करते हैं। आप उस 10 सवाल के चक्कर में आपका पूरा प्रिपरेशन वीक मत करिए, आपकी स्ट्रेंथ पर काम करिए और वीकनेस को बेटर कीजिए। सर की उम्र बहुत कम है और ज़िम्मेदारियाँ बड़ी मिलने वाली है, और मैं भी सर IRS IPS बन सकते हैं, IPS अभी IPS बनेगी, दुबले पतले हो यार, IPS कैसा लगता है, मिल जाएगा आपको IPS? पक्का मिलेगा, मेडिकल फिट है ना, मेडिकल फिट है। सर दिल से दुआ आपके लिए, थैंक यू। जो भी जिम्मेदारी मिल रही है, किस स्टेट से आप? महाराष्ट्र से हैं। जो भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी हमें पता है, आपसे बात करने के बाद पता चला गया कि आप किस तरह के इंसान हैं, उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरी शिद्दत से निभाएंगे, महाराष्ट्र का नाम रोशन करेंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे और इस देश का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम एंड गॉड ब्लेस यू।